शुक्रवार की शाम को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक भयानक विमान हादसा हुआ, जिससे आज पूरा देश परेशान है। भारी बारिश की वजह से लैंडिंग करते वक्त एयर इंडिया का विमान फिसलकर सीधा 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा और साथ ही विमान दो हिस्सों में टूट गया। आपको बता दें कि इस विमान पर 191 लोग सवार थे, जिनमें से 170 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन कुछ लोगों की हालत गंभीर है तो 16 लोगों की मौत हो गई है। इन 16 लोगों में विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे भी हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाकर 170 यात्रियों की जान बचाई। IFS अफसर परवीन कासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, आप इंडियन एयरफोर्स में डेकोरेटेड पायलट थे और आपने सिविल एविएशन ज्वाइन करने से पहले एयरफोर्स में बेहतरीन काम किया है। कैप्टन और विंग कमांडर दीपक वसंत साठे को नमन। आपको बता दें कि आज ट्विटर पर भी RIP दीपक सर ट्रेंड कर रहा है। अब जान लेते हैं कि कौन थे कैप्टन दीपक वसंत साठे। तो कैप्टन दीपक साठे बेहद अनुभवी पायलट थे। कैप्टन साठे एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 में जाने से पहले एयर इंडिया के एयरबेस 310 के पायलट रह चुके थे। अब इतना ही नहीं, कैप्टन साठे एयरफोर्स के टेस्ट पायलट भी रह चुके थे, जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट पर टेस्ट करते थे। साथ ही साथ कैप्टन साठे NDA के 98 बैच के पास आउट थे। कैप्टन साठे 1981 में एयरफोर्स में कमीशन हुए थे और 22 साल तक एयरफोर्स में सर्विस दी। इन सबके बाद 2003 में कैप्टन दीपक वसंत साठे ने रिटायरमेंट ले ली थी। केरल के इस भयानक विमान हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन साठे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी टेस्ट पायलट रह चुके हैं। कैप्टन साठे को बोइंग 737 उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था और दुबई से केरल लौटे फ्लाइट नंबर 91344 को भी कैप्टन साठे ही उड़ा रहे थे। क्रैश हुआ यह प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था और प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे, जिसमें से 174 वयस्क यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। आपको बता दें कि इन सबको वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से भारत लाया जा रहा था। तो पीपल्स, इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को खत्म। इससे जुड़ा अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।